स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर आज ये वीडियो काफ़ी मिक्सिंग वाली होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टार रेटिंग्स के बारे में। लेकिन स्टार रेटिंग्स भी यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग सोर्स की होने वाली हैं। काफ़ी सारी स्टार रेटिंग्स होने वाली है, तो यहाँ पर मुझे लगा सबको एक मिला के यहाँ पर वीडियो बना लेता हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे NXT न्यू ईयर सिविल की स्टार रेटिंग के बारे में। इसके साथ यहाँ पर रसल किंगडम की स्टार रेटिंग के बारे में, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनियलसन का मैच हुआ था यहाँ पर 2, यानी कि जो हमने उनका मैच देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ था, उसके भी यहाँ पर स्टार रेटिंग निकल के आ चुकी है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनियलसन का जो मैच हुआ था, यहाँ पर हमने देखा था जो उनका पहला एपिसोड था TBS नेटवर्क के ऊपर, और ओपनिंग मैच ही हमने देखा था यहाँ पर हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनियलसन का हुआ था दूसरी बार, यानी कि इनका रीमैच हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और दूसरी बार भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया मैच दिया था, हमने देखा था कम से कम 30-35 मिनट का यहाँ पर ये मैच चला था, और पूरे सुपरस्टार यहाँ पर ब्लडी ब्लड हो गए थे। लेकिन इस बार हमने इस मैच का रिजल्ट देखा था, जहाँ पर हैंगमैन पेज ने अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न कर लिया था। तो इस मैच की मैं आपको रेटिंग बताऊँ, जो कि यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 4.75 स्टार की। और आप जानते हो यहाँ पर जब इनका पहली बार मैच हुआ था, फर्स्ट टाइम एवर इनका मैच हमने देखा था विंटर इज कमिंग के शो में, तब उस मैच को 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। तो इस बार यहाँ पर इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग मिली नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4.75 स्टार काफ़ी आना क्लोज है यहाँ पर ये 5 स्टार की रेटिंग से। अगला यहाँ पर हम मैच के बारे में बात करते हैं, यानी कि रसल किंगडम की। मैं आपको कुछ रेटिंग बताऊँ पूरे शो के, यहाँ पर मैं बताने नहीं वाला। यहाँ पर जो नाइट 2 हमने देखी थी, उसके यहाँ पर कुछ मैचेस की मैं आपको स्टार रेटिंग बताता हूँ, जो कि यहाँ पर कुछ हाई रेटेड मैचेस हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक मैच हुआ था यहाँ पर टेटसुए नाइटो और जेफ कॉब के बीच में, और यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 3.75 स्टार की। मैच हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं आपको यहाँ पर रेटिंग बता रहा हूँ। केंटा और हिरोशि तानाहाशी का मैच हुआ था यहाँ पर US चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच यहाँ पर जितनी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी यहाँ पर ये अच्छा मैच था, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, टेबल्स लैडर सारी चीज़ों को यहाँ पर इस मैच के चलते यूज़ किया गया था। और यहाँ पर इस मैच में हमें न्यू चैंपियन देखने को मिला था, जहाँ पर हिरोशि तानाहाशी ने केंटा को हरा दिया था, वो यहाँ पर न्यू चैंपियन बन गए थे। और रेटिंग मैं आपको इस मैच की बताऊँ तो इस मैच को रेटिंग मिली है 4 स्टार की। और जो मेन इवेंट था यहाँ पर नाइट 2 का, काजुचिका ओकाडा वर्सेस विल ऑस्प्रे के बीच में, इस मैच को यहाँ पर रेटिंग मिली है 5.75 स्टार की। तो पहले से यहाँ पर मैं जानता था कि इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी या फिर उससे ऊपर ही रेटिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप के सुपरस्टार हैं, ओकाडा विल ऑस्प्रे के मैचेस हमने देखे हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर 5 स्टार की जाते हैं। तो मैंने अभी तक इस मैच को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मैच को 5.75 स्टार की रेटिंग मिली है, मैं इस मैच को यहाँ पर जाके देखने वाला हूँ। और नाइट 1 का भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन इवेंट था सिंगो तकाजी और काजुचिका ओकाडा के बीच में, उस मैच को यहाँ पर रेटिंग मिली है 4.75 स्टार की। तो नाइट 1 के मैच को यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मिली नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाइट 2 के अंदर जो उनका मैच हुआ था विल ऑस्प्रे के साथ में, उस मैच को यहाँ पर 5.75 स्टार की रेटिंग मिली है। अब हम बात करते हैं NXT न्यू ईयर सिविल के कुछ मैचेस की स्टार रेटिंग के बारे में, जो कि हमने देखा था उनका भी स्पेशल शो था, बड़े मैचेस यहाँ पर बुक किए गए थे। तो सबसे पहला मैच जो हमने देखा था रॉडरिक स्ट्रॉन्ग वर्से कार्मेलो हेस के बीच में हुआ था, जो कि चैंपियन वर्से चैंपियन मैच था, टाइटल यूनिफिकेशन यहाँ पर ये मैच था। और इस मैच को हमने देखा था कार्मेलो हेज ने जीत लिया था। और रेटिंग में आपको इस मैच की बताऊँ तो इस मैच को रेटिंग मिली है 4 स्टार की। अगला जो मैच था हमने देखा था एक 6-मैन टैग टीम मैच हुआ था इंपीरियम वर्सेज MSK एंड रिडल के बीच में, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये वाला भी मैच था, क्योंकि जिस टाइप के सुपरस्टार थे इस मैच के अंदर, सारे सुपरस्टार ने अपना 100% इस मैच के अंदर दिया था, काफ़ी बढ़िया मैच हमें देखने मिला था। और रिडल MSK ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया था, और इस मैच को यहाँ पर रेटिंग मिली है 3.75 स्टार की। और उनके वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के यहाँ पर रेटिंग उसकी है नहीं है इस मैच के अंदर, शायद उस मैच को रेट किया नहीं गया है। लेकिन डायरेक्टली हम बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि हुआ था टोमासो चैंपा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, जो कि था यहाँ पर NXT चैंपियनशिप का मैच। और यहाँ पर ये वाला मैच भी काफ़ी है ना बढ़िया था, मतलब इस मैच के चलते कोई कमर्शल आया नहीं था, कमर्शल फ्री इस मैच को रखा गया था, और इन्होंने भी कम से कम 20-25 मिनट का काफ़ी बढ़िया मैच दिया था, दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी बढ़िया मैच दिया था। और हमने देखा था ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर न्यू चैंपियन बन गए थे, तो इस मैच को यहाँ पर रेटिंग मिली है 4 स्टार की। तो काफ़ी सही मैच था, और काफ़ी रेटिंग मेरे हिसाब से सही इस मैच को मिली है। तो बस ये थी आज की कुछ ऐसी मिक्सिंग वाली स्टार रेटिंग वाली वीडियो। कमेंट करके बताना फ्यूचर में आपको ऐसी टाइप की वीडियो चाहिए, जहाँ पर मैं अलग अलग शोज की यहाँ पर सारी स्टार रेटिंग आपको बताया करूँ, जो कि कुछ वीकली शोज होते हैं यहाँ पर, वीकली शोज की भी यहाँ पर स्टार रेटिंग निकल के आते हैं। कमेंट करके बताना इसके बारे में आपका क्या कहना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो वाइस पे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।